एक एरा है 2014 से पहले का, 2004 से 2014 का, और एक है 2014 से आज 2023 तक को देखने का। जमीन आसमान का अंतर। भारत की मानसिकता में यह बैठ चुका था कि देश ऐसे ही चलेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है, भ्रष्टाचार सब जगह होगा, हम ऐसे ही चलेंगे, हम कोई सुधरने वाले नहीं हैं। यह मानसिकता के साथ देश की मानसिकता बन गई थी। हमारी गिनती करप्ट स्टेट्स में गिनी जाती थी, देश को करप्ट नेशंस में गिना जाता था। आए दिन कोई न कोई फ्रॉड और एक स्कैंडल, एक स्कैम दूसरे स्कैम से आंकड़ों में एक लंबी छलांग लगा करके खड़ा दिखता था। अगर ये कोई 200 करोड़ का हुआ है तो 500 करोड़, ये 1000 का हुआ है तो 5000, ऐसे इस तरीके से आए दिन स्कैम हम सबको देखने को मिल रहे थे। और नेतृत्व में पता नहीं चलता था नेता कहां है, प्रधानमंत्री कार्यालय नेतृत्व कर रहा है या 10 जनपद कर रहा है, पता नहीं चलता था। नेता की जानकारी नहीं, नेतृत्व, निर्णय, नीति, नियत सब प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ खड़े थे। आपने हिम्मत करके 2014 में आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, भारत एनडीए की सरकार बनी और 2014 में नेतृत्व भी मिला, नीति भी मिली, नियत भी साफ थी और काम करने के साथ साथ आगे बढ़ने का लक्ष्य था जिसको हम लोगों ने पूरा किया, यह हमको ध्यान में रखना था। इसलिए पॉलिसी पैरालिसिस से डिसीशन मेकिंग गवर्नमेंट, बोल्ड डिसीशंस लेने वाली गवर्नमेंट, यह हम सबको देखने को मिला है और देश का वातावरण भी बदला। और देश के वातावरण बदलने के साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि राजनीतिक संस्कृति बदल गई, पॉलिटिकल कल्चर बदल गया। वोट बैंक पॉलिटिक्स से निकल करके देश अब रिपोर्ट कार्ड पॉलिटिक्स पर आ गया, डायनेस्टी से निकल करके डेमोक्रेसी के साथ खड़ा होना सीख गया है और उसी तरीके से डायनेस्टिक से निकल करके मेरिटोक्रेसी के साथ खड़ा होना यह देश सीख चुका है।